जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी के निधन के बाद सभी लोग सदमे में हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से दुनिया से अलविदा कहा है वह बात काफ़ी हैरान परेशान कर देने वाली है। उनको शक के घेरे में खड़ी की हुई है कि आखिर क्यों सुशांत आपने बड़ा कदम उठाया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत जी को याद करते हुए बड़े से बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी दिग्गज कलाकारों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। तो ऐसे में अब हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी भी उनको श्रद्धांजलि देती हुई दिखाई दे रही हैं, और साथ ही साथ वे बड़े सदमे में हैं इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि इस बात से पता चलता है कि उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि आपको बता दें दोस्तों, उन्होंने महज 34 साल की उम्र सुशांत सिंह राजपूत जी के लिखा है कि आपसे हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी खबर सुनने के बाद मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है। हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, मगर उन्होंने धोनी फिल्म में किस प्रकार से अभिनय किया था, उसकी दीवानी हो चुकी थी लता मंगेशकर, और हमेशा उस किरदार के लिए उनको अपने दिल में उनकी यादें संजोए रखेंगी। वे लिखती हैं कि अभिनय किया था जिस प्रकार से आपने धोनी फिल्म में, मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो वहीं हमारे ऑस्कर विजेता AR रहमान जी भी सुशांत सिंह राजपूत जी को याद करते हुए लिखते हैं कुछ बातें कि उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा, तुम किस रास्ते से गए सुशांत, जन्नत में ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। जी हाँ दोस्तों, AR रहमान जी लिखते हैं, व्हाट अ वे टू गो सुशांत, रेस्ट इन पीस इन अ बेटर प्लेस। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से बॉलीवुड के सभी दिग्गज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी के इस प्रकार से दुनिया से अलविदा कहने के बाद कहीं ना कहीं सदमे में है। तो ऐसे में हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को भी धक्का लगा इस बात का कि किस प्रकार से उन्होंने दुनिया से अलविदा कहा है। आज भी और अब भी ये सवाल खड़ा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने आखिर ये कदम क्यों उठाया था। ये सवाल तो उन्हीं के साथ चला गया, इस सवाल का जवाब सिर्फ उन्हीं के पास था। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वे डिप्रेशन के शिकार थे, 6 महीने से बीते डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे थे। ऐसे में बॉलीवुड में भी उनकी गिनती आउटसाइडर के तौर पे गिनी जाती थी। सोशल मीडिया पे भी अब ये ट्रेंड चल पड़ा है कि नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, जहां भेदभाव की रणनीति होने लग गई अब बॉलीवुड में, उसको ख़त्म किया जाए और असली टैलेंट को एक पहचान मिलनी चाहिए। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने पटना शहर से आने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में किस प्रकार से अपना कोहराम मचाया, एक्टिंग के दम पर अपना सिक्का जमाया, वो देखने वाली बात थी। नेशनल लाइफ से दीपक की रिपोर्ट।